YouTube में। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? छोटे अनु प्यार दे, बड़े अनु सत्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो नेक्स्ट डे अपने ट्रिप का, और अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप पहाड़ों में, जन्नत है जन्नत, ठंडे ठंडे पहाड़ में ऐसी गुनगुनाती हुई धूप, लाइफ का सच्चा आनंद यही है। तो अभी हम पी रहे हैं मॉर्निंग टी विद फ्रेंड्स। आई एम जे कॉफी एंड टी। हाय ऋषभ, गुड मॉर्निंग। How are you, man? Good, bro. कैसी रही कल की रात? बढ़िया थी। ठंड बहुत है ना यार। भाई साहब, फॉग देख रहे? बादल है, बादल, फॉग नहीं, बादल है। इतनी हाइट पे अभी हम कि पूरे बादल घूमते हुए, पूरी वादियों के ऊपर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेशन इज बेस्ट। इस वाले व्लॉग में होने वाला है मसूरी का टूर, तो हम जा रहे हैं घूमने, कुछ फन एक्टिविटीज करने के लिए, जिंदगी के मजे लेने के लिए। सारे रेडी हो चुके हैं, करते हैं व्लॉग स्टार्ट। अभी यहाँ ये लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, फोटो शूट चल रहा है। अच्छी आ रही भाई फोटो? खींची मेरी फोटो एक भी। आ जा, खींचू तेरी फोटो, जल्द तेरी खींचू मैं। क्या हवा चल रही है यहाँ पे भाई साहब? तो गाइस फाइनली स्कूटी हमें मिल चुकी है, 3 स्कूटी हमने ली है, और ये भैया यहाँ पे आपको मिलेंगे, इनकी पर शॉप दिखा देता हूँ। 3 स्कूटी लिया है भैया ने, थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है हमें, तो अगर आप भी आओ तो इन भैया से आके डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में दिया है। ठीक है भैया, नंबर बता दो एक बार फोन। सर 7983। चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं भैया। भैया साहब, भैया थोड़ा शाय हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ शॉप कौन सी है, स्कूटी कहाँ से आपके, कहाँ से आके आपको लेनी है। ठीक है गाइस, ये है शॉप अवनी स्कूटी ऑन रेंट। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं भैया के, और ये है लोकेशन, होटल अप्सरा के सामने मेरे लिए, आप देख सकते हैं ये पीछे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना और आके स्कूटी ले सकते हैं। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ऑन स्कूटी, और हम जा रहे हैं दलाई हिल्स। आगे बाकी के जितने शॉट्स आपको दिखेंगे ऋषभ के थ्रू होंगे, वो सारे शॉट्स के हाथ में मैं दे रहा हूँ फोन, और यही करने वाला है जब तक हम पहुँच नहीं आते सब तक, तो सारा शूट तो आप मजे लो सिनेमैटिक्स के, वादियों के मजे लो, और बस वीडियो को पूरी देखना। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम दलाई हिल्स, पहुंच चुके हैं दलाई हिल्स। आई डोंट नो ऋषभ ने क्या रिकॉर्ड करा है, वो तो बाद में एडिटिंग के टाइम पे ही पता लगेगा। फिलहाल चलते हैं अंदर, लगा दो पार्किंग में, और फिर यहां से वॉकिंग। लेट्स सी कितना आगे जाना है और क्या है यहां पे दलाई हिल्स में, है क्या एंडी हुंदी सी दलाई हिल घुमा दे, जल्दी जल्दी मेरे को ऊपर चढ़ा दे। वादिया ये गंदे चेहरे, ये पौधे ये गंदे चेहरे। भाई लोकेशन तो है, पीछे बादल देख रहे हो, वाइट फिल्टर नहीं है, बहुत मस्त लग रहे हैं। ओ शिट भैया, और कितना ऊपर जाना है? बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर। नहीं नहीं, वापस चले जाऊं क्या उसे? अच्छा थैंक यू, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। तो फाइनली जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, और बस ओ माय गॉड व्हाट इज दिस प्लेस। देखो गाइस, ओह लोकेशन तो है गाइस, I'm not afraid to die.
आई डोंट नो गाइस, ये देखो रेनबो बना है इफ यू कैन सी। ये है और ये बुद्धा जी की, इनकी परछाई से वहाँ पे शो हो रहा है। गाइस लोकेशन तो है, व्यू तो है गाइस, सो गाइज डन विद द दलाई हिल्स। आई होप आपको पसंद आएगा, वीडियो वगैरह भी पसंद आ रही होगी, मतलब आप जाके देखो यार, मतलब है मस्ट विजिट प्लेस है गाइज, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा जाना और उसके आगे भी जाना। किसी रीज़न की वजह से हम आगे नहीं जा पाए वरना मैं पक्का जाता आगे। बारिश स्टार्ट हो गई, अब हम जा रहे हैं अपनी सेकेंड लोकेशन। पहाड़ों में स्कूटी चलाने का मजा ही कुछ और है, और अभी हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उसका नाम है दी कंपनी गार्डन। इस कंपनी गार्डन हम जा रहे हैं, और कंपनी गार्डन जाने से पहले 20 रुपए की टू व्हीलर्स के लिए ये पर्ची कटे। गाइस इसके अंदर जाने के लिए भी टिकट है, स्कूटी को यहाँ लाने के लिए भी पार्किंग फी है, पहले देनी पड़ती है, यहाँ पे 25 रुपीज की टिकट है। तो गाइस एंट्री लिया कंपनी गार्डन में, एंट्री से घुसते ही कुछ ऐसा देखने को मिल जाती है, सूप्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। चलो चलो कितने का भैया पैसा? 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए में फोटो भी क्लिक करवा सकती है और आपको प्रिंट आउट होके मिल जाएगा। लाओ ले जरा, 50 रुपए में ओनली। नाइस एक फन एक्टिविटी कर रहे हैं हम, वो मैं दिखाता हूँ। ये बाहर हमें निकालना है, इसमें से ये बाहर हमें निकालना है, इसमें से जो भी ये केज है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है एंड इसका वेट है 10 kg। मैं भी बैक कैमरे से दिखाता हूँ सब कुछ। 10 kg 1 मिनट के अंदर निकालना है, विनिंग प्राइस है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो 1 2 3 स्टार्ट। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, उल्टा कर, वैसे ऐसे बताया था ना। हाँ ऐसे 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 लाना है बस। हाँ ऐसे लो 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 लो, आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। रोक रोक रोक, होल्ड 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 होल्ड, आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये वाली साइड से पकड़, बेस वाली साइड से। हाँ चल 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 चल, कमान 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 कमान, आएगा 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 आएगा, नहीं हो रहा। अरे चल कोई नहीं कोई नहीं, एमजे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सोने की बार उठाएगा असली में एमजे। 150 रुपीज का था। कितने लोग जीते हैं आज तक? सिर्फ दो, तीसरा मैं हो सकता हूँ पता है। ये काफी अच्छा था, ये बार उठाने वाला चैलेंज एमजे कर नहीं पाया, बट मजा आया, ट्राई कर सकते हैं आप भी यहाँ पे आके। फन एक्टिविटीज है यहाँ पे, कर सकते हैं आप लोग, बोटिंग है भाई, मानना पड़ेगा जन्नत है तो यहाँ पे है। अब हो रही है ठंड मस्त, और अब मजा आने वाला है राइड का, स्कूटी राइड का मजा आएगा, मजा एकदम मजा, मौज आ जाएगी मौज। हाँ हाँ आ जाओ बैठो, दो छोटे बच्चे हमारे साथ हैं आज, हाय कर दो। हाँ तो
ये हमें मिले रास्ते में और हम इन्हें दे रहे हैं लिफ्ट। अच्छा काम कर रहे हैं, चले। नहीं नहीं, अब क्या कर रहे हो भाई? फोटो लेंगे, घर ले लो। तो सुबह हो गई गाइज, इस लोकेशन में आओ भाई, व्यू देखो, व्यू जन्नत, गजब, अमेजिंग, फाड़ू भाई व्यू है यार, मस्त। टेकन। गाइस हम आए हैं मॉल रोड पे खेलने के, मॉल रोड पे आए थे हम घूमने के लिए, तो हमें पता चला यहाँ पे किसी से कि यहाँ पे टेकन गेम अवेलेबल है, टेकन गेम अवेलेबल है, तो हम टेकन खेलने आए, टेकन खेलने आया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, देखो भाई मशीन, देखो गाइस मशीन मशीन मशीन, टेकन टेकन, याद आया कुछ? फाइट भाई, ठीक है तो हमें ऐसे जहाँ पे स्टे स्टेशन था हमारा, वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी उसके लिए, किसी लिए मतलब हम ढूंढ रहे थे, भटक गए थे एक तरीके से। तो वहाँ के लोकल से हम पूछ रहे थे, एमजे गाड़ी पे था ऋषभ, और मैं लोग मतलब ऐसे एक जगह पे गए पूछने के लिए, ठीक है। तो ऐसी रोड थी जैसे हम पे फुटपाथ है ना, ये टाइल्स टाइल जैसा लगा हुआ है, वहाँ पे रोड थी। तो हम गए ऐसे पूछने के लिए, एक लोकल बंदा मिला, हमने जगह का नाम बताया, भैया ये जगह का है। उसने बोला भैया ऐसे चले जाओ वैसे चले जाओ, ठीक है। नहीं, उसने बोला कि भैया पता नहीं आसपास ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला उसने। उसके बाद क्या हुआ, ऋषभ ने बोला चल आ जा वापस, ठीक है। तो ऋषभ जाने लगा, तो जैसे रोड पे पाइप पड़ा है, इस पर यहाँ पे ना, मतलब जैसे पाइप पड़ा है यहाँ पे आ गया सांप, ठीक है। और मतलब हम दिल्ली वाले हैं भाई, कभी एक्सपीरियंस नहीं करा ऐसे सांप वगैरह, तो ऐसे सांप था, मतलब जब हम गए थे तब नहीं था, बाद में था। तो भाई अपना ऋषभ है, सांप था, सांप को टाप के चला गया। मैंने बोला ऋषभ सांप, मतलब हमें नकली लग रहा था, वो ऑरेंज कलर टाइप का कुछ था। मैंने बोला ऋषभ सांप, बोलते नकली है, और टाप के चला गया ऐसे ऊपर से उसके, ठीक है। मैं आने लगा, मैंने बोला नकली है, उसने निकाली जीप। ओ भाई, मैंने बोला ऋषभ फटी ना, नहीं मैं तो भाई पीछे भागती उल्टा। उसके बाद जैसे इसने बताया कि असली है, वहां से लेके गाड़ी तक नॉन स्टॉप भाग के गया, और मिल्खा सिंह को फेल कर सकता था उस टाइम पे मैं। मैं भी वही चौड़े में जाने लग गया कि भाई नकली है, उसने निकाली, हराम ज्यादे असली हूँ, ऐसे जीप निकाली अपनी। तूने टाप लिया था, पता ही नहीं चला था भाई, खतरनाक सांप होगा वो, ऑरेंज ऑरेंज जैसे टाइप वाला कलर था। फिर भाई वो लोकल बंदा था, मैंने उसे बोला, फिर उसने सांप को भगाया, तब जाके मैं गया भाई, फट गई थी अच्छी वाली हमारी तो। भाई नैनीताल के किस्से सही थे।